दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे निशाना फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। निशाना सन 1995 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, रेखा, परेश रावल, पंकज धीर, रजा मुराद, शफी इनामदार, विकास आनंद, अपराजिता और पुनीत इसर नजर आए थे। इस फिल्म को राज एन सिप्पी ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था नरेंद्र बजाज ने, और इस फिल्म की कहानी राजू सहगल ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स अनवर खान ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 110 स्क्रीन के साथ 17 फरवरी सन 1995 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,97,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,82,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 21,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 97,00,000 का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3,05,00,000 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1995 की 49th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक जतिन ललित ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे और इसके गाने एवरेज रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म से पहले रेखा और मिथुन ने डायरेक्टर राज सिप्पी के साथ बाजी फिल्म में काम किया था जो सन 1984 में रिलीज हुई थी। नंबर 2, इस फिल्म को कनाडा में भी रिलीज किया गया था जहां इस फिल्म ने 3,00,000 का कलेक्शन किया था। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।